दो बड़ी अंदर आगे वापस गए हाँ अजान के टाइम पे मैं भागी, क्या हाल है, बड़ी प्यारी लग रही हूँ, कितनी क्यूटी क्यूटी, वाह असल प्यारी तो ये ही है। अच्छा जैनब कहाँ गई है, लेके चलो रोजा इफ्तार, रोजा इफ्तार करें, आज आ जाए। हाँ खजूर खाई थी, पानी पीना। रिएक्शन देखो इनका, मेरी फैमिली की यहाँ पे पहली इफ्तारी है। तुम्हें क्या हुआ, तुम सकते हैं, मैं क्यों, मैं कभी पानी नहीं उठ के पी थी। यहाँ तो बताऊंगी सुगण, आप भी मैं देखूंगी क्या क्या आपने बनाया। हाँ देख लेना तुम कितनी चलाक है। मेरी बहनों को यकीन ही नहीं है कि मैंने कुछ बनाया होगा या नहीं। बैठो सारी गर्ल्स जल्दी से, ये ट्राई करो बतासा आलू, ये इकरा ने बेस्ट प्रो मैक्स शेफ, इधर आके तो ये पतासा चिप्स मैंने नाम रखी। तुम लोगों ने कभी जिंदगी में पतासे नहीं खाए, बेसन वाले चिप्स। अच्छा बेसन वाली हीरा। ये है हमारी चना चाट, ये हमारी कचौड़ियाँ, ये हमने बाइट से मंगवाई है, ये पतासा आलू आपकी प्रो मैक्स शेफ ने बनाया है, हमारे पास सैंडविच है, और ये हमारे भाई का केक है, ये रुपए का केचप डाल रहा है। तुम्हें मैंने कुछ कहा, तुमने जोक को जोक समझा ही नहीं, मैंने कहा ये हमारे पास केक है और ये मेरा खजूर वाला बॉय है, ये खजूर खाता है। अच्छा खिलाती हूँ, खिलाओ। हाँ वो हमेशा आता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इकरा मेरे लिए सैलेड में, नहीं उम्मीद थी, बस देख ले इकरा ने इतना इस्तेमाल कर लिया, एक आपकी पसंद की चीज नहीं बनानी थी मैंने यार। क्या ये बैंगन है, ये भाभी ने बनाई है, मैंने नहीं, बैंगन भाभी ने बनाए हैं, तब से यही खा रही और वो फातिमा बैंगन भी है। हीरा तुम मम्मा का सैलेड खाई जा रही हो, तुम्हें किसी ने कहा तो मम्मा के सैलेड को अटैक करो, टेस्ट करियो कैसा बनाया है, चेक करके बताओ। टेस्ट सैलेड जैसा मर्जी बनाओ, बेटी का प्यार शामिल हो तो वो मजे का लग ही जाता है। बताओ कैसा लग रहा है, मैंने अभी तो अंडर एस्टिमेट किया था, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट वैसे ही किया हुआ था सारी जगह, तुम ना वहाँ पे जानबूझ के नहीं खाना बनाती। मैं जान के मैं चाहती नहीं थी कि मेरी बहने मेरे हाथ का स्वाद देखो, अब अगर वहाँ बनाती होती तो यहाँ इतना इस्तेमाल ना करती तुम लोगों के लिए। नहीं हमें तुम्हारे खाने खाने की आदत हो चुकी होती ना, हाँ ज्यादा मिस करते हैं अब जो नहीं करते हो, कभी कभी खाने को मिलेगा, अब तुम लोग मिस ज्यादा नहीं करते हो, ये कह दो करती हो नहीं, फिर हम तुम्हारे खानों को मिस करते हैं। हाँ। सिर्फ तुम्हें मिस कर रहे हैं ना, फिर हमें खाने मिस होने। इसको देखो जरा लगी हुई है यहाँ पे ना, फोटो लेनी है उसने अपनी और वो गिरा है तो उसको जोड़ने के लिए। जैनब मिसिंग है और पापा मिसिंग है, बड़ा मजा आ रहा है मुझे इत्तमाम करके, खाने बना के, डिकोर करके, घर वालों को परोस के, अब चाय की बारी आएगी थोड़ी देर बाद, मैं चाय में अपने हाथों से बना के अपने घर वालों को पिलाने वाली हूँ। इनका रिएक्शन बड़ा सवेर होने वाला है क्योंकि इन्होंने कभी मेरे हाथ की चाय नहीं पी है, मम्मी के लिए सॉरी कॉफी बनेगी। और किसी की कोई फरमाइश है कहवे शहवे की तो बता दो, ये आपका प्रो मैक्स चाहिए आपका, हमारा प्यार सिर्फ तुम्हारा हुआ ना प्यार, और हमारे प्यार से भटके हुए बड़े अकेले हो गए हैं, मैंने कहा किसी को कोई फरमाइश है तो बता दे, ये कहती है कॉफी पीनी है, वो कह रही है हमें चाहिए आपका प्यार, आपको क्या चाहिए, मुझे पूरी आज ऊपर आके मेरा घर दोबारा से देखो, घर चेंज किया है। हाँ मैंने टेबल आ गया है, मेरी चीजें आ गई, चलो यहाँ मैं अपनी रील्स बनाती हूँ, दिखाओ यहाँ से मुझे जो डेकोरेशन पीस पसंद आया ना, हाँ वो यही रख के जाएंगे, पसंद आया तो ले ले, प्यारा लग रहा है ना, मजाक कर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे तो बड़ा कहती होती थी कि मम्मा बड़े डेकोरेशन पीसों पे हाथ रखा हुआ है, तो आप बताओ। मम्मा रोज मेरे पार्सल आते उस बंदे से पूछे किन चीजों पे मैंने हाथ रखा हुआ है, ये पार्सल इतना बड़ा, ये मैंने बीन बैग मंगवाया मम्मा वैसे बैठने उठने की, ये तो जगह ही रोकने की चीज है, ये देखो ये मेरा कमरा है और ये रही चीज चीशा है, अच्छी लग रही है, दाग चेक करें जरा थोड़ा झूठ बोल रहा है मम्मा, नहीं आपने देखा ना व्लॉग में लाइव इसने इमली गिराई थी, मैंने इग्नोर करी थी रीव को, रीव ने कहा ये टेबल पे कुछ गिराऊंगी तो गिराऊंगा तो नहीं इग्नोर करेगी। रीव साहब ना बैठ के मेरी अम्मा को मेरी सारी शिकायतें लगा रही, कैसे इसके पार्सल ने मेरा जीना हराम किया हुआ, आंटी कहे कहे सुन रही हो, मैंने कैमरा ऑन कर लिया, मुझे पता है परेशान ना हो, मैं इसके सारे पार्सल उठाने लगी, क्या मतलब कहाँ लेके जा रही हैं, मैं ले जाऊंगी ये सर तेल लगाया हुआ पार्सल का, इतनी जान नहीं है जितने पार्सल मंगवाए, जान तो वो है। ये मोहतरमा बैठ के अपनी वीडियो पोस्ट कर रही है,
दो अदद जो लड़कियां हैं वो गई हुई है नीचे, वो मेरे लिए क्या लेके आई है मुझे नहीं पता। और एकदम आके कहती है ओ शिट किसी के घर जाते हैं कुछ लेके आते हैं, आप ही के लिए लाया लेकिन देना भूल गए, देखो कैसी चीजें गिफ्ट है भाई तुम्हारे लिए, भाई वाह भाई वाह गिफ्ट है, देखते हैं क्या लेके आई है। फिर मैं अभी लेके आती है देखना, चहकती हुई दोनों गई है राबिया और फातिमा, अब देखते हैं क्या लेके आ, अगर मेरी पसंद की चीज हुई तो ठीक है, ये ना हुई तो मैं नाल बांध देनी है, कोई नहीं है कहना ना। ये मोहतरमा हमारे लिए चीजें लाके खुद ही अंदर उंगलियां मारी जा रही है, नहीं लेकर आई मम्मा लेकर आई है। अच्छा ये मेरी मम्मा की तरफ से गाइस बड़े मजेदार सी डिशेस है भाई, खोल इधर दी है सारी पकड़ो और नीचे भाभी के पास लेके जाओ। हाँ सारी खोल इधर रही है, ये सारी लेके जानी है क्योंकि भाई नीचे बैठ के सब मिलके खाएंगे, रस मलाई है, ये रस्मी जो है ना प्योनिया, हाँ ये हर जगह आती है, ये इसकी फेवरेट डिश है। आज फिर पार्टनर दोनों कॉफी पीने वाले हैं, वो भी स्याह काली इधर आ बाइक कहाँ गया है, बाय बाय कह के बाय, नहीं पता कैसे कहता है बाय 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 बोलो बाय बोलो, हीरा इसको, हीरा इसको चौको चिप पकड़ना और बोलना चिश, देखना चिश चिश वो उधर पड़ी हुई है, देखो इतना चला कैसे आना आता है ऊपर ऊपर आ कहता है कैबल में है सियानी बिल्ली खंबा नचे। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, समझाओ इसको तुम्हें, इसका मतलब नहीं पता, सियानी बिल्ली खंबा नचे, सियानी बिल्ली नहीं खिसियानी बिल्ली तुम वो फाते थे बचपन में, दादा अबू बिल्ली कहते थे ना, तो तुम वो खिसी बिल्ली, चलो देखते हैं मैं गलत हूँ तो मुझे सही होना चाहिए, खिसियानी बिल्ली है, हाँ सियानी नहीं, सियानी से बिकरा कवन और कोई नहीं है, सियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब ये होता है एक आदमी गलत है फिर भी वो गुस्से में कह रहा है मैं सही हूँ। ओहो ये तो फातिमा तुम्हें लगी हो बिल्कुल। चलो भाई आप ही जो है यहाँ पे सुगड़ औरतों की तरह चाय लेकर आ रही है, पहले लड़की की जिंदगी होती है, पहले वो लेके आती है कि रिश्ता देखने आ रहे हैं तो लेके आती है, फिर जब अपने घर वाले आते हैं तो लेके आती है। ये अब मेरी एक बहन ना प्रॉपर इंस्पेक्शन करने लग गई मेरे घर की, मैं ये देख रही हूँ हाँ तुम ना आई हो किस चीज से, यहाँ पे आके तुमने ये वाले पर्दे लगा लिए कलरफुल, उधर कलरफुल अलमारियाँ थी तुम्हारे कमरे में येलो रेड और व्हाइट, तो अब इसके पीछे मुझे लॉजिक बता दो कि ये कलर्स क्यों हैं, ये सिले हुए तुम्हें लगा ये अलग है, कसम से ये ना सिले होते ना तो मैंने येलो को उठा के ना इधर रख देना था और ब्लू को मैंने बीच में कर देना था, बाद आ गई है गाइस, ये मेरी ना उस अलमारी से बड़ी स्वीट मेमोरी है। वाह गलत राह निकाल दिया मेरा, अरे मैं डर गई ना एकदम, क्या लिखा था स्माइल इफ इट कंफ्यूजेस पीपल, हां अब कहाँ जा रहे हो, मैं जिम जा रहा हूँ बाबा, अब जिम जा रहे हो स्मार्ट पतले, मुझे आवाज आई है कि रात में चैलेंज होने लगी, मैं कह रहा हूँ मैं जिम जा रहा हूँ, जा रही हूँ बकवास, अरे ये क्या आप क्यों अलाउ कर रहे हो, बड़ी बहन कह रही है उसका फर्ज बनता है, मेरा कमरा नंगा पड़ा रहता है एक बेडशीट, आपको भी ये पर्दे नहीं अच्छे लगे, आपकी जिद है तो मैं ये बदलवा लूंगी, गाइस कहते हैं बदलवा दो, ये हाँ। राबिया जैनब को दे दो उनके कमरे के यार, ये कितनी घर ओके अरीब अलाफिस, तुम कितनी घर को जीत रहे हैं ठीक है, वो चैलेंज भाई जो राबिया के लिए हम करते हैं वो हम राबिया के चैलेंज, छोड़ते हैं मेरी जो एक अदद बहन मिसिंग थी जैनब फैसल अपने दोस्त के यहाँ इफ्तारी पे गई थी और वो अभी पहुंची, अब जरा उसके ऊपर पहुंचने इसकी तो मैं वाट लगाती हूँ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी इफ्तारी थी, दोस्त की इफ्तारी की बहन की इफ्तारी, इधर देखो जरा इस मोहतरमा को, जरा आना ना तुम, जरा वट यू कैन एक्सप्लेन विच इफ्तार इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, मैंने अभी उनको ये अभी जाना था तूने नीचे, मैंने उनको एक्चुअली में वो दिया टाइम दिया हुआ, मैं क्या कर सकता था, संडे का उन्होंने मेरा ट्यूसडे का किया प्लान, तुम्हारी वजह से किया हाँ। मैंने भी संडे से ट्यूसडे का किया, तुम्हारी वजह से आपकी तबीयत खराब थी इसलिए किया था हाँ। तो मेरी क्या गलती तुमने